क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स हैं सब सोशल होते हैं, वैसे ही कुत्ते भी सोशल होते हैं, मिलजुल के रहने वाले जीव। तो क्या होता है कि अक्सर जब कुत्ते जो झुंड में रहते हैं ना, वो कभी कभी बिखर जाते हैं, अपने झुंड से अलग हो जाते हैं, तब वो हाउल करने लगते हैं, आऊ करके, एंड कुछ कम एज के कुत्ते रोने लगते हैं, एंड बड़े बड़े समझदार कुत्ते जो है वो भौंक भौंक के भौंभौं करके दूसरे कुत्ते को कम्युनिकेट करते हैं। मतलब जो भौंभौं आप सुनते हो नाइट में, वो रैंडम भौंभौं नहीं होता है, बल्कि वो एक ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन होता है ना, जिसका मतलब दूसरे कुत्ते समझते हैं। तभी तो कुत्ते एक साथ खेलते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ सोशलाइज करते हैं। इनफैक्ट नेचर में सभी बर्ड्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जो कि आप सुबह सुबह सुन पाते हो। और जो मुर्गियाँ कुकड़ू करती है ना सुबह में, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है, जो कि वो दूसरे मुर्गियों को भेजती है। अब आते हैं मिस्टीरियस साइड पे। अभी भी कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कुत्तों का सिक्स्थ सेंस होता है और वो रात में कुछ पैरानॉर्मल एनर्जीज को फील कर पाते हैं, वो अलग अलग एंटिटीज को फील कर पाते हैं। बट क्या ये बात सच है? ऑफ कोर्स साइंस के हिसाब से नहीं, बट इस बात को हजारों सालों से कहा जाते आ रहा है। आपको पता है ना कि जो डॉग्स के ईयर्स होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं कंपेयर टू हम इंसान। कोई चीज आपसे 20 फीट दूर है, उसका जो साउंड आप सुन पाते हो, कोई कुत्ता उसी इंटेंसिटी का साउंड जो है वो 80 फीट से भी सुन पाएगा। और डॉग्स का स्मेलिंग पावर है वो इंसान से 10,000 गुना ज्यादा है। इसलिए डॉग्स जो है ना, वो सबसे फ्रेंडली क्रिएचर्स के साथ साथ सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक है। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।